राम राम शेठ। नमस्ते साहब। क्या बात आज सुबह सुबह? वो क्या है कि साहब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ, क्या बोला साहब? बात मुंबई तक पहुंच चुकी है। तो इसमें नई बात क्या है? दो तीन दिन असेंबली में शोर मचेगा, फिर साहब ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, इस बार ऐसा नहीं है। वीरन ने हमारे इलाके में मार काट करके सब गड़बड़ी कर दी है। तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। नहीं साहब, वो क्या है, मुंबई से क्राइम ब्रांच वाले आए हैं। जी हाँ, यहाँ भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। वे स्पेशल वाले, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप उनके हाथ में आ गए ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब। नमस्ते साहब। थाना कितनी दूर है? पास में ही साहब, ये आपको ले जाएगा। ए साहबन गुंजा बज्जू। यस सर। थाने जाकर केस के सारे पेपर्स लेकर आओ, ध्यान से। ओके सर। तो मियां, आप हमारे मुंबई के इंस्पेक्टर सलीम को जानते हैं? जी, अच्छी तरह। भाई वो तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। क्या बताऊं साहब, पर यहाँ पर जो भी कुछ उल्टा सीधा होता है, बाला ठाकुर के इशारे पर ही होता है। बाला ठाकुर? वो कौन है? इधर का भाई है, थाने में उसके खिलाफ बहुत से केस दर्ज है। यहाँ की पुलिस ने कभी पकड़ा नहीं उसे? कई बार साहब, एक बार तो कुछ मैंने, पर जब भी उसे पकड़ते ऊपर से फोन आ जाता है। साहब, इन तीन चार सालों में दो वाइन शॉप, एक बहुत बड़ा चंद्रपुर में होटल और काफी सारी जमीन खरीद रखी है। ये ठाकुर आपके हाथ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कहाँ रहता है ये बाला ठाकुर? इधर ही फटक के पास। क्राइम ब्रांच मुंबई, बाला ठाकुर कहाँ है? शेड बाहर गया है। बाहर गया है? हेलो साहब। ठाकुर साहब के मकान की तलाशी कोई नहीं ले सकता साहब, सोच लो साहब, वरना पछताओगे। हाँ, साहब साहब तोड़फोड़ मत करो साहब, सेठ आएगा तो भारी पड़ेगा बोलते हैं मैं। अब तेरा सेठ इधर वापस नहीं आएगा, या तो मुंबई में एसीपी राठौड़ को रिपोर्ट करेगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाएगा। एक कदम चल। यस सर। बज्जू इसको समझा ना। चल सब, चल चल चल, बता देना तेरे सेठ को बचने का एक ही रास्ता है, मुंबई में हाजिरी। क्या? मुंबई में एसीपी राठौड़ के सामने हाजिरी, वरना हमें दिख गया वो उड़ा देंगे।